हेलो गाइस, वेलकम टू रिलका फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है नेक्सॉन के ऊपर। ये नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट है एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस कार का हेडलाइट थ्रो कैसा है, हेडलाइट परफॉर्मेंस कैसी है। कई लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि यार हमें बताओ कि कार की हेडलाइट कैसी है। इस कार में अभी स्टॉक लाइट डली हुई है, कार में कोई फॉग लैम्प नहीं है इंस्टॉल, जो है स्टॉक है पूरा। और आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है इस कार की हेडलाइट की, कितना थ्रो है हेडलाइट का, क्या अगर आप ये कार ले रहे हो तो आपको क्या हेडलाइट अपग्रेड कराने की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हम जिस जगह पे हैं वहाँ पे अभी पूरा अंधेरा रही है, तो इससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपको कि कितना इस कार का थ्रो है। अभी मैंने हेडलाइट ऑफ की हुई है, हेडलाइट मैं इसकी कार की ऑन करता हूँ। तो आप देखोगे ये इसका लो बीम है, लो बीम में आप देख रहे हो कितनी आपको क्लियरिटी दिख रही है, कितना विजिबिलिटी आ रही है। थ्रो आप देख सकते हो कितना थ्रो है इसका लो बीम में। मैं हाई बीम करता हूँ, उसके बाद आप थ्रो देखना इसका। ये हाई बीम का थ्रो है। आपको कैसा लग रहा है थ्रो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका थ्रो कितना है और हेडलाइट परफॉर्मेंस कैसी है। देखो मैं बताऊंगा आपको इसकी हेडलाइट परफॉर्मेंस ना, आपको अभी वीडियो में जैसे लग रहा है उस हिसाब से सही बताऊं तो हेडलाइट परफॉर्मेंस इतनी भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। हाईवेज में आपको दिक्कत आ सकती है, आपको मुझे लगता है, मेरा पर्सनली ओपिनियन है इस केस में कि आप अगर इस वेरिएंट पे जा रहे हो, स्मार्ट या स्मार्ट प्लस या प्योर में जा रहे हो, तो उस केस में आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते। एंड मुझे लगता है कि आपको इसके ना हेडलैम्प आपको अपग्रेड करने पड़ सकते हैं, बिकॉज हाईवे में आपको थोड़ी बहुत इश्यूज हो सकता है। अभी यहाँ पे पूरा अंधेरा है, जो विजिबिलिटी आप देख रहे हो कैमरे में आपको दिख रही है, कैमरे में फिर भी आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है अच्छा इसमें, बट एक्चुअली में विजिबिलिटी जो है ना वो इतनी ज़्यादा, मैं बोलूँगा इतनी ज़्यादा अभी नहीं है। आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अगर आप स्मार्ट या स्मार्ट प्लस या फिर प्योर लोअर वेरिएंट ले रहे हो, तो आपको मुझे लगता है कि हेडलाइट इसकी अपग्रेड करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे हिसाब से हाईवेज में इसमें इश्यूज आ सकता है। मैंने वैसे इस कार को अभी हाईवेज में नाइट में ड्राइव नहीं किया है, मैं ओवरऑल आपको वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि क्लियर कितना इसका थ्रो आ रहा है हेडलाइट का, तो आप लोगों को थोड़ा जजमेंट मिल सके। बट मुझे लगता है पर्सनली कि इसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि कैमरे में कितना जस्टिफाई हो रहा है, बट मुझे पर्सनली अगर मैं इसको बोलूँगा हाईवे परफॉर्मेंस में, तो हाईवे के टाइम पे इसको अपग्रेड होने की ज़रूरत है। और अगर आप ये ले रहे हो तो आपको हो सकता है कि आपको अपनी कार की हेडलाइट अपग्रेड करनी पड़े। तो गाइस बहुत छोटी सी वीडियो थी, सिर्फ आपको दिखा रहा था कि इस कार की हेडलाइट का थ्रो कितना है एंड हेडलैम्प की परफॉर्मेंस कैसी है, बिकॉज कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि यार कार के हेडलैम्प की क्या परफॉर्मेंस है, हेडलाइट कितना थ्रो है कार का, हमें वीडियोस में बताओ। तो आई होप ये वीडियोस आपकी हेल्प कर पाई हो, अगर थोड़े बहुत भी डाउट हो आपको इस कार के ऊपर। अगर आपके कोई और डाउट है नेक्सॉन को लेके, तो आप मुझे क्वेरी सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेरीज का जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर ये वीडियो पसंद आई, बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी, सिर्फ जिन लोगों को डाउट था कार के हेडलैम्प परफॉर्मेंस के ऊपर, उसी उन लोगों के लिए वीडियो थी, तो बहुत छोटी सी वीडियो थी। आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाई होगी। तो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।